वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा में। तो आज सुबह मैं एक ब्लॉग को एंड की थी और अभी से मैं एक ब्लॉग को स्टार्ट कर लूँ शाम के टाइम पे। और बाबू हो चुका है रेडी। रेडी हो गया ना? कहाँ जाना है? पापा जी मीन्स ये अपने दादाजी के पास जाने के लिए एकदम से एक्साइटेड है। पापा जी चलो। तो दादाजी को पापा जी बोलते हैं आप लोग, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? ओके ओके। तो अभी शाम का मैं दिया भी जला दी हूँ और बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारे सामान पैक हो चुके हैं, बस इंतजार है तो पति देव का वो आ जाए। आधे घंटे से उनका मैं वेट कर रही हूँ, रेडी वेडी होके वेट कर रही हूँ, देखती हूँ वो कितने देर में आएंगे। आई गया सब आ गया। कितना देर लगे थे लोग आने में? अरे मेन टाइम पे लाइन कट गया। हां लाइन कट गया, बंद कर। अरे बोले ये सामान लाए तो क्या किए? कौन सामान? राहुल जी कुछ दिक्कत दिए हैं, वो बोले वहां से जाएंगे, वो उसी कपड़ा में जाएंगे। अरे वो ये तो मामा सामान रखे ना, जब मतलब अरे बाबू ने ये पे लिया नीचे। अरे बाबू ने ये पे लिया। तबीयत बिल्कुल भी मुंडी टेढ़ा करके बात कर रहे क्योंकि लाइट नहीं आएगा ना इस वजह से। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मन एकदम उल्टी की तरह कर रहा है, मन एकदम अजीब सा कर रहा है। मतलब मैं बस अभी अररिया से निकली हूँ, थोड़ा देर मेरा मन ठीक था, लाइक दो तीन मिनट है ना, अररिया से निकली दो तीन मिनट थी ठीक थे। और उसके बाद में मेरा सर इतना ज़्यादा घूमने लगा ना कि मैं फिर सो गई। मतलब अभी हम मेरा आँख खुला है, मेरा मन ही नहीं कर रहा आँख खोलने का, कुछ करने का। अपना अपने स्टेटस पे फ़ोटो अपडेट किया तो उसके बाद मैं सो गई। बोले कि स्टेटस पे फ़ोटो अपडेट किए और उसके बाद जो सोने लगे ना पूरा रास्ते सो रहा है। अजीब मन हो गया, मतलब मन एकदम सा अजीब सा कर रहा है और अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है ना क्योंकि गाड़ी में लाइट नहीं जल रहा है। उधर पीछे पापा कहाँ कैसे जलाएंगे। एनीवे अभी हम लोग कुछ खा रहे थे, राहुल जी पकौड़ा चाहे दाब रहे हैं। क्या दाब रहे हैं? हाँ क्या दाब रहे हैं? क्या लपेट रहे हैं? पकौड़ा। क्या लपेट रहे हैं? पकौड़ा। पकौड़ा लपेट रहे हैं? आ रहा है आपका इसमें आ रहा है? और चलिए अच्छी बात है, पकौड़ा लपेट लें। मेरे लिए बर्गर लाए हैं, अभी खाएंगे, मन नहीं कर रहा है। हम सोच कि गाड़ी चले ना तब खाएं कि थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या बेटा? बेटा क्या खाया? बेटा भी पकौड़ा खाया है। ये वाला खाया। ये दिखा दो सबको क्या खाया मेरा बच्चा। तो अभी चलिए चलते हैं, बहुत लंबा रास्ता, अभी तो आधा भी नहीं आए हैं। तो बस यहाँ पे रुके हैं ये होटल में खाने के लिए। कितना बजे? अविनाश बहुत अच्छा है। इसमें ना पहले ना चना, और जो हम स्टार्टिंग में ना चना इसमें बहुत अच्छा देता था खाने को, चना और चूड़ा मीन्स पोहा देता था खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आपने इसका कारियर चेंज हो गया। तो देखते आज क्या खाते, आज खाना खाएंगे और क्या खाएंगे, अभी खाना खाने का टाइम है तो खाना ही ना खाएंगे। मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ और अभी मम्मी चाय बना रही है। हम लोग खाना वाना खा के आए थे तो मम्मी को परेशान नहीं किए हैं, वैसे मम्मी तो कह रही है कि अभी खा लो, पर अभी तुम लोग खाना खा के आए थे तो खाना खाएंगे नहीं, तो आप लोग से मिलेंगे कल मॉर्निंग में। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। और अभी टाइम हो रहा है एक सेकेंड, हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरे ससुराल का पहला दिन, तो अभी सुबह मैं उठी हूँ और पहले आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और पहले सोची थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेती हूँ तो चाय बनाती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा सा गंदा भरा हुआ था और गंदे किचन में मुझसे काम होता नहीं और देख के भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो पहले मैं सोची किचन क्लीन कर लेती हूँ, कुछ बर्तन था जो मैं सिंक में रख दी हूँ और बाकी जो रात का बर्तन था वो सब तो मुनी दी पहले धो ली थी। और मैं आपको बताऊं कि कल रात में हम लोग बहुत लेट से पहुंचे थे तो मैं आपको किसी से मिलवा नहीं पाई थी, लेकिन मैं आज आप लोग को सबसे मिलवाऊंगी। इस ब्लॉग में अगर नहीं भी मिलवा पाई नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊंगी। तो अभी मैं सुबह उठी, रात में मैंने साड़ी चेंज भी नहीं की और ऐसे ही मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ।
होता नहीं है, थकने के बाद ना मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। तो मैं कल रात में आई और फिर एक डेढ़ घंटे सबके साथ बैठ के बातें किए, फिर सो गए। तो इसकी वजह से ना मैं आप लोग को ना किसी से मिलवा नहीं कभी, मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कैमरा उठा पाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी गैस चूल्हा साफ़ करने वाला कहाँ है, नहीं दिख रहा है, तो मम्मी बता दी। तो बस मैं वहाँ से मतलब ये, और हाँ मैं ये इंस्टाग्राम पर रील डाली थी इस साड़ी पर, तो आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिए। तो देखिए ये साड़ी ना हमारे पतिदेव दिए हैं, क्योंकि जब तीज था ना तो तीज के टाइम पे ना ये राहुल जी साड़ी हमको दिए थे खरीद के। तो ये तीज में साड़ी मैं पहनी थी, आप लोगों को याद ही होगा, याद नहीं है तो कर लीजिए। उस टाइम कुछ ज़्यादा हेवी ज्वेलरी मेकअप था, इस बार कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो बस यहाँ पे अभी पापा आ गए थे, पापा हंसने लगे थे क्योंकि मम्मी नमुनी दीदी को उठा रही थी, बोल रही थी चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, वो अभी उठी और परेशान हो रही है। तो मम्मी बार बार मुनी दीदी को ना उठा रही थी, तो हम बोले कि हम कर रहे हैं ना, 5 मिनट उनको शांति से सोने दीजिए ना कम से कम, तो मैं चाय बना लेती हूँ फिर उठ जाएंगे। तो मम्मी को है ना कि मम्मी बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती है, मतलब मेरी सास बहुत जल्दी परेशान हो जाती है किसी भी काम में। तो मम्मी बस परेशान हो रही थी कि मम्मी को ना गंगा नहाने जाना था, तो पापा इसीलिए आ गए। तो पापा हंसने लगे, मैं बोली पहले गैस क्लीन कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, फिर तो उठ ही जाएंगे ना। मान लीजिए हम लोग आए तो वो भी मतलब 1:30-2 बजे मुनी दी सोई थी कल रात में, तो लेट तो हो ही जाता है ना, उठने का मन थोड़ी ना करता है। और मेरा तो मान लीजिए आदत हो चुका है, अररिया में भी मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ, इस वजह से मैं उठ गई थी। अगर मेरा आदत नहीं होता तो मैं भी लेट से उठती, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस यहाँ पर ये किचन का ये सब मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद चाय वाय बना लेंगे। और दूध पापा भी दे के गए हैं, तो हम लोग का खुद का गाय है, गाय से दूध जो आता है ना उसका चाय वाय बनाते हैं। तो पहले बहुत दिक्कत था दूध का, लेकिन जब से पापा गाय ले लिए है ना तब से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है दूध का। पहले तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था ना कि दूध ही नहीं मिलता था, यहाँ आने के बाद ना दूध का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम नहीं है पापा की वजह से, क्योंकि पापा गाय ले लिए तो फिर टेंशन हुआ नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर चाय बना लूँगी और सभी को दे दूँगी। और यहाँ पापा से ना थोड़ा ट्राइपॉड ना हिल गया था, तो पापा वही बोल रहे थे कि ना ट्राइपॉड हिल गया, हमने कोई बात नहीं पापा हम ठीक कर लेते हैं। और देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर मेरी वीडियो में नहीं आना चाहते, सभी लोग मेरी वीडियो में आना चाहते हैं, सास हो ससुर हो, मतलब ननद लोग ही हो, नंदोसी हो, भांजा भांजी, टोटल कोई भी मेरे ससुराल का इंसान, ऐसा नहीं कि कोई कैमरा फेस नहीं कर सकता, सभी लोग कैमरा फेस कर सकते हैं। जब मेरी सास कैमरा फेस कर सकती है, सभी लोग वीडियो में आना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है इंसान जो नहीं आना चाहता होगा, सभी लोग आना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ पापा के लिए और मुन्नी दीदी के लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह मैं दूध का चाय पीती नहीं हूँ और ग्रीन टी मेरे पास यहाँ पर था नहीं, तो ग्रीन टी भी मंगवाना है। तो चलिए पहले मैं पापा को और मुनी दी को चाय दे देती हूँ, मैं बना देती हूँ चाय दे देती हूँ, उसके बाद बाकी का जो काम है वो होता रहेगा। और मैं यहाँ पे सानिया से बातें कर रही थी क्या क्या हो रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ सब सानिया सुना रही थी। और ये चाय वाय बना लेती हूँ और उसके बाद मैं ना क्या करूँगी, मेरे उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहा के मैं पूजा कर लूँगी, इससे क्या होगा ना कि मेरे कम से कम नहा के पूजा करने वाला काम ना ख़त्म हो जाए। हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल और अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में नहाऊँगी, नहा के मैं पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि मुझे आदत भी है ना सुबह सुबह पूजा करने का, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ नहा के पूजा वूजा करूँगी। और यहाँ पर पता क्या, मॉर्निंग के टाइम पर ना थोड़ा थोड़ा ना ठंड भी लग रहा है, मॉर्निंग के टाइम पर अभी नहीं लग रहा है, तो चलिए मैं नहा वहा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस मैं यहाँ अपना साड़ी निकालने आई थी, ये मेरा सेकंड वाला रूम है जिसमें मेरा लगेज, अलमीरा, ट्रंक और जितना सारा मेरे पास ट्रॉली है, वीआईपीज़ है, वो सारे इस रूम में रखा हुआ है, मैं आपको किस दिन दिखाऊंगी। और प्लीज़ अलमीरा में कपड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे आदत है मैं कपड़ा जब निकालती हूँ तो कपड़ा गिरता है फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना साड़ी निकालने आई थी, क्योंकि ससुराल में मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है, मैं सूट भी पहन सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी की मैं क्या पहनूँ। पहले तो मेरी सास सही बात है नहीं पहने देती सूट, लेकिन जब से बाबू हुआ ना उसके बाद से मैं आराम से सूट पहन के कहीं बाहर भी चली जाती हूँ, पहले मम्मी बाहर नहीं जाने देती सूट पहन के घर से, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ। और उसके बाद है कि देखिए धीरे धीरे इंसान ना समझ जाता है, तो वैसे ही मम्मी भी समझ गई है कि नहीं अब ये सब तो चलता है लाइफ में। तो बस यहाँ पर मैं साड़ी निकाल रही थी कौन सा साड़ी पहनूंगी, तो ये मैं ऑरेंज कलर का साड़ी निकाल रही थी, यही साड़ी मैं पहनूंगी अभी नहा वहा के, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा। और यहाँ से ना जब से मैं नहाऊँगी और उसके बाद पूजा वूजा करूँगी तो वहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और आप लोग को मेरा ये साड़ी ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा, तो ये राहुल जी का पसंद का है, ये तीज के टाइम पे ये सिल्क का साड़ी है वो ला दिए थे,
तो वैसे भी उनका पसंद अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है, तभी तो हम भी उनकी लाइफ में हैं, है ना। चलिए मजाक कर रही थी मैं। तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलने वाला है, मेरे ससुराल का ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इतने एक्साइटेड जितने हैं ना, उतनी मैं भी एक्साइटेड हूँ ब्लॉग्स बनाने में ससुराल के। सो आज से स्टार्ट होगा और देखते हैं कौन कौन लोग मतलब होली में आते हैं। ऐसे मैं अपनी ननद लोग को इन्वाइट की हूँ आने के लिए, पता नहीं दीदी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बट नहीं भी आएंगे तो भी ज़बरदस्ती बुलाएंगे दीदी लोग को। और चलिए देखते हैं, और आप लोग को सबसे मिलवाऊंगी मैं, सभी लोग से एकदम जम के होली खेलने का इस बार ना प्लान है, बहुत जम के। चलिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने फैमिली के साथ खुश रहिएगा, एंड हैप्पी होली।